पीओके में आतंकी लॉन्च पैड तबाह करने के दूसरे ही दिन पश्चिमी सीमा पर भारतीय थल सेना की 21 स्ट्राइक कोर ने जबरदस्त प्रहार किया। आपको बता दें कि स्ट्राइक कोर ने सिंधु सुदर्शन युद्धाभ्यास के दौरान सेना ने पाकिस्तान को अपना फायर पावर दिखाते हुए बता दिया कि महज 48 घंटे से ही कम समय में घर में घुसकर तबाह करने की क्षमता है। पोखरण फीड फायरिंग रेंज में 100 किलोमीटर में 40,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान से सीमा के निकट 100 किलोमीटर से ज्यादा दायरे में सुदर्शन प्रहार कर रहे हैं। पोखरण के रण में पहली बार गेम चेंजर स्वदेशी गन K9 और ब्रिज ने पलक झपकते ही दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, तो वहीं हमारी इन्फेंट्री को बैकअप करने के लिए वॉफर्स टॉप और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे गए। रूसी स्मर्श रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से 72 कल्स्टर बम गिराए गए। टीम 90 टैंक और बीएमपी से बंकर भी नष्ट किए गए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।